स्वर्गीय राजीव गांधी जी की स्मृतियों को प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश साहित्य एवं संस्कृति समिति का आभार और नर्मदापुरम के तमाम सुधी श्रोता और आयोजकगण, आप लोगों की मेहनत से एक शाम सजी और तमाम कवियों को आप लोगों ने बड़े मन से सुना, बहुत अच्छा सुनाया। और मैं समझता हूं कि 35 साल के कैरियर में बहुत थोड़े से कवि सम्मेलन हुए होंगे ऐसे जो सात चौराहों पर किसी पीपल के पेड़ के नीचे इस तरह देर रात तक बैठ कर के। वाह वाह वाह, सही बात है सर, बहुत समय बाद पढ़ा है। ऐसा लगता है जैसे किसी कबीर की पीठ पे बैठे। बहुत आनंद आ गया। मैं धर्म माखनलाल चतुर्वेदी जी कर्मवीर पत्र निकालते थे और कर्मवीर के नाम से उनकी एक कविता भी थी। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की स्मृति को मैं चार पंक्तियां उनकी सुनाता हूँ। त्याग और समर्पण के बिना कुछ हासिल नहीं होता। कि बीज जब मिट्टी में मिल जाए, वृक्ष तब उगता है हे मित्र, कलम से स्याही गिरती जाए, पत्र पर उठता जाता चित्र। तो आज हम सोचें कि बिना त्याग और समर्पण के कुछ हासिल कर लेंगे, थोड़े सुविधा जीवी हो गई 25-30 साल में, उस चीज का नुकसान आपकी पार्टी और सोसाइटी और देश सब उगत रहे। तो थोड़े हिम्मत रखिए, उत्साह रखिए, समय आता है जाता है। चुनावी राजनीति में सब चीजें कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। आज आपने कवि बहुत अच्छे बुलाए और मैं किसी भ्रम में नहीं हूं। अब आखिर में वही लोग बचे हैं जो या तो मुझे थोड़ा बहुत सुनना चाहते हैं, फिर जो दूसरों के साधन पर आए। कितने अच्छे कवि आपने बुलाए, वरना अब तक तो कवि सम्मेलन थोड़ा बिखर जाता है, लेकिन हर कवि को आपने बड़ी मोहब्बत दी। ये इस धरती का संस्कार है। भवानी प्रसाद मिश्र, मैं गीत बेचता हूँ, सतपुड़ा के घने जंगल जो हमने पाठ्यक्रमों में पढ़े, और परसाई जी का व्यंग बिखरा पड़ा है, नर्मदापुरम, नर्मदा नदी, यही बुधनी, टिमरनी, इटारसी, तमाम जगह मिलेंगे उनके व्यंग्यों में आपको। सरस्वती वंदना से शुरू हुआ कवि सम्मेलन, क्या बढ़िया मीठा स्वर था सुमन दुबे जी का। उनकी ट्रेन थी इसलिए उनको जाना पड़ा जल्दी, जोगी जी और वो चले गए। पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में फंसा, आजकल कवि सम्मेलन कैसे होने लग गए, यहाँ भी खूब होते होंगे। मैं कोई 20-25 साल पहले एक बार आया था यहाँ, एक बहुत बड़े मैदान में, स्टेडियम में शायद कवि सम्मेलन था। क्या मीठा स्वर था। मैं पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में था, कवयित्री ने सरस्वती वंदना की और बहुत बेसुरा गा रही थी। वंदना के बोल थे, माँ मुझे स्वर का ज्ञान दे। मैंने कहा भाई वंदना अपनी जगह है, मांग वाजिब है। कवि सम्मेलन वो अच्छा, वही कविताएं वही रचनाएं होती हैं हर रात, वो थोड़ा बहुत नया होता है, लेकिन कवि सम्मेलन हम लोग वो अच्छा मानते हैं जिसमें हम लोगों को संतुष्टि मिलती है, और आज का कवि सम्मेलन वैसा ही है। हर कवि को हम ऐसे सुन रहे हैं जैसे पहली बार सुन रहे हो। कुछ लोग शिकायत करते हैं, संपत सरल जी आपके 2-4 ऑडियो वीडियो क्या घूमे, आजकल आप पैसा बहुत लेने लग गए। मैंने कहा जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या। कवि लोग परिहास में काफी महिलाओं के लिए कुछ बातें की, आप अन्यथा मत लेना। से परिवार आए हैं कई लोग, देखो देर रात तक बैठ करके सुन रहे हैं, अच्छा लगता है। और शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। स्त्री का त्याग संसार में पुरुष से बड़ा है। हम भले ही उसको धन्यवाद न दें, उसके आभार प्रकट न करें, ये अलग बात है, वो हमारी गृहस्थता है। वो पति ने डींग हांकते हुए कहा, मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली, मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। वैश्विक परिदृश्य आप देखें, राजनीति का, अर्थशास्त्र का, सन्यासी व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी सन्यास की सोच रहे हैं। मूल मुद्दों की बात करो तो एक कैसेट बज रहा है 8-9 साल से, डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। अब ये कोई जवाब होते।
और धीरे धीरे चीजें आ रही है सामने, कब तक करेंगे? अभी कुछ लोग कह रहे थे, अब श्रीलंका का हाल देखो आप, ये तो उस देश की दुर्दशा है जो पूरा सोने का था, हम तो सिर्फ चिड़िया थे। हा? लेकिन चीजें बदलेंगी, वक्त सब हिसाब किताब बराबर करता है। ये राज बिहारी जी कह रहे थे, बोले देखो किसी जमाने का फास्ट बॉलर रहे इमरान खान, चले गए, मगर कुर्सी एक दिन सबके जाएगी, भले ही कोई कितनी भी तेज फेंकता हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। व्यापम की जिक्र कर रहे थे, मैं बताता हूं व्यापम क्या है। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा, वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई सातवें की। अब आपकी तालियां उठेंगी, जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। भाई वाह, मेरी इमेज ऐसी बना दी फौजदार जी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं, जबकि 2014 के पहले आप लोगों पर व्यंग करते थे और सरकारें बदलेंगी जो नहीं आएंगी उन पे भी करेंगे, लेकिन ये सुनना नहीं चाहते। आपने किसी भाजपाई को हंसते हुए देखा 9 साल में? वो गृह मंत्री तो इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको पीटने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। हंसो, उल्लास करो, नेताओं पर ऐसी सब चीजें होती हैं। अखबारों में कार्टून तक नहीं छप रहा है सरकार के किसी मंत्री का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, कोई कार्टून नहीं दिखेगा आपको, लेकिन रास्ता फिर भी निकाल लेंगे लोग बाग। अगर अखबारों में इस तरह से कार्टून छपना बंद हो जाएंगे तो पाठक लोग इनके फोटुओं को ही कार्टून मानना शुरू कर देंगे, रास्ता तो निकलेगा, जनता हंसे बिना थोड़ी रहती है। मैं तो अगर भूल से भी ये कह दूं कि मोदी जी 2019 में विकास के दम पर दोबारा जीत के आए हैं तो भक्त लोग गुस्सा करते हैं, जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। बढ़िया बात है, लेकिन मैं सहज रहता हूं, आप लोग भी सहज रहा करो। वो होमवर्क देने के लिए छोड़े हुए हैं, वो जो 18% वोटर है ना, ये जो तमाम जो भी कुछ हो रहा है वो उनको होमवर्क के लिए अटका के रखा है, उनको होमवर्क दो फिर वो उनके विरोधियों को होमवर्क देगा, इससे उनका काम आसान हो जाता है, दूसरों का मूल मुद्दों से ध्यान हट जाता है। होमवर्क मतलब उनसे बहस ही मत करो, मैं नहीं लेता हूं। अब एक ने कहा, बोले अब बनेंगे प्रधानमंत्री योगी जी, मगर जल्दी बनाए यार, कपड़ों का खर्चा तो कम हो। होमवर्क मत लो आप, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये लोग भी भोले लोग हैं, ये भी इस्तेमाल हो रहे हैं, समय इनको भी समझा देगा, कोई इनके लिए अलग से पेट्रोल पंप थोड़ी खुलेंगे। मैं सहज रहता हूं। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो गुजरात से मेरे पास एक फोन आया, बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है, कि आप तो बड़े व्यंग करते थे मोदी जी तो बढ़त ले रहे। मैं सहज रहता हूं, बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है, मैंने कहा हाल चाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। बोले फिर जीत रहे मोदी जी, मैं कहा अच्छा हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। होमवर्क मतलब, एक इनकम टैक्स के अधिकारी मिले, उन्होंने मजाक की मेरे मिलने वाले थे, बोले ऐसे तीखा लिखते हो सरकारों के खिलाफ, मैंने कहा साहब पहली बार थोड़ी लिख, बोलो नहीं नहीं बहुत तीखा लिखते हो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब एक हिंदी के लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन के अलावा क्या मिलेगा, और अगली पंक्तियों पर आपकी दाद उठेगी, जो मैं सहज रहता हूं। मैंने कहा ऊपर किसी के दबाव पे जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ये बढ़िया है, गैर भाजपाई किसी भी पार्टी का कितना भी भ्रष्ट हो, जिसको भाजपाई भ्रष्ट कहते हैं, वो जैसे ही बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उज्जवल हो उठता है, शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। सारी नैतिकताएं ताक पर रख दी, यही सारे विषय हैं। तो हम तो लोग देखते हैं कि इसने नहीं चुनवाए तकदीर ने तिनके, कि जब बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। वो आजादी के दीवाने इसीलिए फांसी पे झूले थे,
ऋग्वेद से चले थे, हनुमान चालीसा तक आ गए। कवियों ने, ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ खुद को ऊंचा उठाने के लिए रचे थे, वो दूसरों को नीचा दिखाने के काम आ रहे हैं। जिन नेताओं को अपने घर में, जिन सांसदों विधायकों को अपने घर में संविधान पढ़ना चाहिए, वो दूसरों के घर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते। धर्मवीर भारती का एक नाटक है अंधायुग, उसका एक संवाद आपको सुनाता हूं, वो लागू होता है आज के देशकाल वातावरण पे। युद्ध का 18वां दिन है, दोपहर बाद का समय, धृतराष्ट्र और गांधारी इंतजार कर रहे हैं संजय का कि वो आए तो खबर मिले कि दुर्योधन जीवित है या मर गया। दो प्रहरी पहरा दे रहे हैं, अचानक सन्नाटा है और अंधकार बढ़ने लगता है। एक प्रहरी ने जो सवाल किया और जो दूसरे ने जवाब दिया, आपकी मोहब्बत मिलने चाहिए क्या, मार्के की बात कह गए धर्मवीर भारती। अंधकार बढ़ता देख करके एक प्रहरी ने दूसरे से कहा, अचानक अंधकार कैसे बढ़ रहा है, जरा देखना तो। दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। तो जैसा राजा वैसी प्रजा। एक रचना आपको सुनाता हूं, बड़ी मोहब्बत दी आप लोगों ने, वैसे तो सब आप यूट्यूब लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन आमने सामने सुनाने का एक अलग आनंद है और तबीयत खुश हो गई आज, जैसा आपने कवियों को सुनाया सब लोगों को। चाहेंगे तो दो रचना सुना दूंगा। हाँ पास, अच्छा 50 किलोमीटर से आए और इतनी दूर जाना भी। वो तो नहीं सोच रहे हैं। हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं, यहां विभिन्न जाति भाषा धर्म संप्रदाय के लोग बैठे हैं और विभिन्न पार्टियों के बैठे हैं, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। आपकी विचारधाराएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन सत्ताएं आएंगी जाएंगी, इन कवियों को सुनो। इस अंधेरे समय में यही एक जुगनू है जो थोड़ा टिमटिमा रहा है। कल को सत्ता बदलेगी और ये लोग बदले की भावना से काम करेंगे तो आपकी पैरवी भी यही कवि और शायर करेंगे। ये मत सोचो कि ये इन्हीं की आवाज उठा रहे हैं, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। भक्ति भाव गलत है। भक्त जानते हो आप, कई लोग उसको अंध भक्त कहते हैं, जो मैं गलत मानता हूं। भक्त कहने के बाद उसमें अलग से अंध लगाने की जरूरत नहीं है। भक्त उसको कहते हैं जिसके आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती, और वो हर पत्थर को देवता मानता है। अभी बाबा रामदेव जी ने तो कल उनको राष्ट्र ऋषि कह दिया, देव का अवतार कह दिया। ये इंतहा है, वो भी मनुष्य हैं, वोट मिले हैं, चुनाव जीत करके आए हैं, कल दूसरे आएंगे, सब चीजें चलती रहती है। देवता नहीं होता है नेता, और मानना भी नहीं चाहिए किसी भी पार्टी का हो, लेकिन भक्ति ऐसी होती है, हर पत्थर को देवता मान लेता है, अंधभक्ति में डूबा हुआ। वो एक भक्त तो माइलस्टोन को देवता समझ करके नारियल चढ़ा रहा था, मील के पत्थर को। तो किसी ने समझाया, भाई जिसके नारियल चढ़ा रहा है वो तो मील का पत्थर है, देवता नहीं है। वो अंधभक्ति में डूबा था, बोलो नहीं है, साक्षात देवता है। देखो इसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली 250 किलोमीटर। और सबसे बड़ी बात है कि इन भक्तों को उनका आराध्य जैसे समझाओ ना, वैसे समझ जाते हैं। वो ऐसे बताते हैं कि पेट्रोल महंगे महंगे होने के क्या फायदे हैं, तो वो फायदे गिनाने लग जाते हैं। पहले कृषि कानूनों के फायदे बता रहे थे, वापस ले लिए तो हटाने के फायदे बताने लग गए। ये भक्ति होती है। वो गांव में से सड़क निकल रही थी हाईवे, तो एक ऐसे नेता थे बड़े आराध्य, उनके भक्त इकट्ठे हो गए, उनको कुछ मिला नहीं, बोलो नहीं नहीं इधर सड़क नहीं बनेगी। कल को मान लो हमारे यहां चोरी हो जाए, तो सड़क बनने से हमें चोरों के पैरों के निशान नहीं मिलेंगे, जान चली जाए सड़क नहीं बनेगी। बात ऊपर तक पहुंची, कंपनी के लोग आए, आराध्य को बुलाया गया, उसकी सेवा पूजा हुई, उसने अपने भक्तों को समझाया। और फिर देखो कैसे समझे, भक्तों को बोला वो आराध्य, देखो तुम उल्टे घड़े की पीते हो ना, हर बार उल्टा सोचते हो। मान लो तुम किसी के यहां चोरी कर लाओ, तो कितनी अच्छी बात है कि तुम्हारे पैरों के निशान उनको नहीं मिलेंगे। सारे भक्त घर से गहती फावड़ा परात उठा लाए, बोले जान चली जाए सड़क यहीं बनेगी। बहुत बढ़िया,
और भक्त को अंत में हासिल कुछ नहीं होता है। परसाई जी का एक लेख मुझे याद आता है, परसाई जी की जमीन पे खड़े हैं तो इसलिए बताना चाहते हैं। परसाई जी एक लेख में कह गए हैं, भक्त की अंतिम स्थिति, लंका फतेह हो गई, सीता को ले लिया, राम लक्ष्मण सीता विभीषण के पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या आ गए, खूब जश्न हो गया, राज तिलक हो गया, गीत संगीत नाच गान खान पान जीवन जूठन सब हो गया, 5-7 दिन निकल गए, सब अपने अपने काम से लग गए। तो भक्त आए, बोले महाराज सब कुछ हो चुका, अब हमारे लिए भी कोई रोटी पानी का जुगाड़। तो प्रभु श्री राम बोले भाई कोई ना कोई काम करो। बोले महाराज हमें तो आपकी जय बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं आता। तो राम वो नहीं है, मैं तो कहता भी हूं कि राम का नाम दो ही जगह काम आता है, पहली बार किसी से मिलने पर और आखिरी बार किसी से बिछुड़ने पर। आज आडवाणी जी के समझ में आ गया ना कि राम किसी मठ में नहीं घट में रहते। कितनी सफाई से एक भला आदमी इस्तेमाल हुआ, उनको थोड़ी पता था कि मोदी जी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेंगे। ऐसे ही एक सिस्टम है जो इस्तेमाल करता है। आप क्या सोचते हो कि राजा का चुनाव प्रजा करती है? गहराई से अर्थशास्त्र देखो पूरी दुनिया का, 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं वह खिलौना चल पड़ता है। आप क्या खाते हैं पीते हैं ये तो छोड़ो, आप क्या पढ़ते हैं क्या सोचेंगे ये तक कोई और तय कर रहा है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह इसलिए पाठ्यक्रम से हटा दी गई कि गांव में मेले लगेंगे और हामिद अगर दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। भाई वाह, दो चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है, जब हम सभ्यता के प्रारंभिक दौर में रहे सब बाजार उसमें भी किसी न किसी फॉर्मेट में शक्ल में रहा होगा, लेकिन दोनों में अंतर है। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। वो चाहे कहीं के चुनाव हो, चाहे यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, सब बाजारवाद की देन है, उनको अपने हथियार खपाने। तो जो चीजें हैं उनको गहराई से समझो और नेता को चुनने से पहले तोलो। मोहब्बत रहनी चाहिए, दुनिया शांति और भाईचारे से चलती है। जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। ये अपना काम करके निकल लेंगे, भुगतना सोसाइटी को पड़ेगा। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं। मीडिया के बंधु यहां बैठे हैं, हैं? चलो, मैं क्षेत्रीय पत्रकारिता का बड़ा सम्मान करता हूं, ये बड़ी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन वो छपना या दिखाना कहीं और से तय होता है। ये रात भर कवि सम्मेलन में अच्छा सुनेंगे कि यार जन भावनाओं की क्या अभिव्यक्ति है इन कवियों के पास, और बहुत बेहतरीन रिपोर्टिंग करके ले जाएंगे, लेकिन वहां कुछ और ही छपेगा। बोले विज्ञापन आ गया, ये छोड़ कविता वविता क्या लिखता है यार, चौथा पेज का विज्ञापन मिलता है तो ये सब चीजें कर देते हैं। लेकिन ठीक है, आप अपना काम ईमानदारी से, थोड़ी बहुत गुंजाइश कहीं की निकाल लिया करो। हाँ, क्षेत्रीय पत्रकार मेहनत से काम करते हैं, बाकी जो वहां बैठे हैं वो तो आप सब देख ही रहे हो। वो पत्रकारिता का समय देखो, सुनो भाई साधो, ये माजरा क्या है, ये कालम छपते थे परसाई जी के, क्या बेहतरीन व्यंग्य होते थे उनमें। नवाय टाइम्स के अंतिम पेज के बाएं कोने पे शरद जोशी का प्रतिदिन छपता था और अखबार वहां से शुरू होता था, और ऐसी आक्रामक बात लिखते थे शरद जोशी जी, नाम लेकर के लिखते थे, परसाई जी नाम लेके लिखते थे, हम ही कोई नाम लिख के कोई व्यंग नहीं कर रहे हैं, हम उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। यहाँ का तो मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ तो अखबार 3 चीजों के लिए पड़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल, और रोज नए निकलते। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज, और जो मैंने जवाब दिया
मैंने कहा भैया रुपया चाहे एक की जगह दो ले जाए लेकिन 16 पेज खाली दे जाए कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं, तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा, मैं बड़ा खुश हुआ जी आपका अखबार कहाँ मिलता है। बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गया। प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। टेलीविजन पे प्राइम टाइम देखते हो ना, वो बहस जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे, चार जन बहस ही आते हैं, एक मुद्दे का विरोधी, दूसरा मुद्दे का समर्थक, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। तो ऐसे दौर में आप सब लोग बैठ करके इन रचनाकारों की बातें सुनते हैं, मैं एक रचना आपको सुनाता हूं। बैठिए भाऊ जी, कोई बात नहीं, ये तो धड़ल्ले से जा रहे हैं, मेरे टाइम तो कई लोग बंद मोबाइल कान के लगा के निकलते हैं। कोई बात नहीं, वो भी सुना दें, बुलेट ट्रेन भी खूब यूट्यूब पे सब पड़ा है, हमारे पास कुछ नया नहीं है। हम लोग तो इसलिए सुने जा रहे हैं कि आप लोगों की यादाश्त कमजोर है, लेकिन वर्चुअल और सामने आमने सुनने का अलग आनंद है। ये आदमी बॉडी लैंग्वेज से सुनता है कि कविता कितने अर्थ खोलती है, जितनी बार सुनो कितने अर्थ देती है। सुनिए साहब, हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं जिसने भौगोलिक दूरियां कम कर दी, आदमी से आदमी को दूर कर दिया, और अब तो आदमी खुद से दूर होता जा रहा है। जैसा बताया रास बिहारी गौड़ जी ने, मैं उसको अलग अंदाज में कहता हूं कि आदमी के पंजे में मोबाइल क्या आया, आदमी खुद मोबाइल के पंजे में आ गया। निदा फाजली साहब का एक शेर है, थोड़ा हेर फेर के साथ कहूं कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है मोबाइल हटाकर देखो। आप इतनी देर से बैठे, करीब 2.5-3 घंटे हो गए, किसी को कोई दूसरी चीज याद नहीं आई, यही मेडिटेशन है, यही सत्संग है। मैं आप देखो, यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता है वह भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरे कवि सम्मेलन की एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। पुराना समय याद करिए, सुविधाएं कम थी सुख बहुत था, जीवन में संघर्ष था तो रोमांच भी था। उन चीजों के लिए हमने कीमत कितनी चुका दी, ऐसा नहीं कि तरक्की नहीं हुई, 60-70 साल में हमने हासिल भी किया है, कीमत बहुत दे दी। तब मैं सुनाता हूं आपको एक रचना, ये भी क्या दिन थे, पहली पंक्ति से आप पकड़ना, अच्छा लगेगा। अब ताली वाली की कोई जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हो। वे भी क्या दिन थे, वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एकाध के पास होती थी और समय सबके पास था। और अगली पंक्ति पर आपकी मोहब्बत मिलेगी, आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5,000 दोस्त और परिवार में बोलचाल बंद है। कल कमलनाथ जी बैठे थे, पटेल साहब हैं, तमाम आप सब लोग दो पैसे देते हो हम कवियों के घर चलते हैं, हम सुविधापूर्ण जीवन जीते हैं, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे हैं, साधन सुविधा से संपन्न है अधिकतम कवि, उसके बावजूद ये कवि सम्मेलन मुशायरे हम सब लोगों के लिए धंधा नहीं, एक मिशन है। हमारी कोशिश रहती है मोबाइल इंटरनेट मीडिया सोशल मीडिया में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। पुराने समय की विरोधाभास देखें, तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था,
अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को साथ साथ पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, जैसे आप अपनी मातृभाषा बोलते हैं, बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, और अगली पंक्तियों पर आपकी तालियां रोक नहीं पाओगे आप, मेरा दावा है। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेलकूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं, बच्चे भी क्या करें। खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल खोलो क्रिकेट, एक दिन तो मैं भी टाइम पास के लिए देख रहा था तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी कि जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बचपन अपने युवावस्था याद करें, हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था। बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही दो होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को ही लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था, अब आपकी मोहब्बत मिलेगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं, जिसमें बेकाबू टेक्नोलॉजी और मिल गई। इसको सिर्फ गांधी समझते थे। और देखो, निवेदन कर दूं, फासिज्म से दो ही लोग लड़ सकते हैं, महात्मा गांधी और चार्ली चैपलिन। हास्य ही एकमात्र जवाब है जो तनाव मुक्त भी करता है और तानाशाह को मुसीबत में डाल देता है कि यार मैं सब इतना कर रहा हूं उसके बावजूद लोग हंस रहे। हिटलर का जवाब दिया ना चार्ली चैपलिन ने वैसी मूछे लगा करके। लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गतरात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। सूरपन खां मंथरा के लिए चाय बना रहा है और अब की बार आपकी तालियां फिर उठेंगी। चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती हैं वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था।
और भारतीय यात्री का मनोविज्ञान देखना, पकड़ लो तो बताना मुझे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था, खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और हमको कौन सुधार देगा। परसाई जी ने इस मामले में भी एक बहुत जोरदार लाइन कही है कि हम भारतीय काम शुरू करने से पहले सोचते हैं कि इसमें बेईमानी कहां करनी है, तब आपकी तालियां उठेंगी। क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था, SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। और हमारे बड़े शायर हैं उदय प्रताप सिंह जी, जिनका जिक्र डॉक्टर सुनील जोगी ने भी किया, उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकालकर। चिट्ठी पत्री का दौर था, SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा। खत लिखता हूं खून से स्याही ने समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था, जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिखकर कबूतर उड़ाए थे आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था, बस दो चार बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रूमाल ही दो चार बरातियों के पास होते थे। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। टेलीविजन ने एक नुकसान यह भी किया कि जो सुनने वाली कलाएं थी उनको देखने वाली कलाएं बना दिया। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। नए बच्चे इस बात को मानेंगे क्या? लाइसेंस बिना लाइसेंस का रेडियो नहीं बजा सकते थे, जिसको पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ता था। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी तालियां उठेंगी, गर्दन झुकाकर BBC तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबी से सुनते। बड़ी मोहब्बत दी, मैं इस लेख का समापन करता हूं, ये पंक्तियां साथ ले जाना। सच है गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है, तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं।